हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एनसीईआरटी एमसीक्यू करेंगे, विद सॉल्यूशन होंगे, जिसमें एमसीक्यू में टाइमर लगा होगा। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और 30 सेकंड के अंदर आपको उसका जो आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे आप अपने को एनालाइज कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे। चैप्टर फर्स्ट 9th क्लास का इंडिया साइज एंड लोकेशन है। तो स्टार्ट हो चुका है टाइमर, साथ में स्टार्ट हो चुका है क्वेश्चन। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होती है वो कहाँ से नहीं पास होती है, तो आप आंसर अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए जल्दी से जल्दी, फिर हम आपको आंसर देंगे। ये नहीं पास होती है कहाँ से, उड़ीसा से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उड़ीसा से पास नहीं होती है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ से पास, यहाँ पे बात करें तो गुजरात से पास होती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उड़ीसा आपका उसके नीचे है, उड़ीसा से पास नहीं होती है। वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, टोटल 8 स्टेट से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ से पास होती है, ये इमेजिनरी लाइन है, वहाँ पर इस तरह का व्यू है जो कि एमपी का ये आपको पिक्चर है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, जो कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर रेखा कौन सी है, तो इसमें आंसर आप अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यहाँ पर आपका आंसर है 97 degrees 25 minutes ईस्टर्न, जो का आपका आंसर आ चुका है। क्या आपका आंसर सही है, उसको आप देखते रहिए। अब सबसे पहले आगे चलने से पहले हम इसका जो लॉन्गिट्यूडनल या लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है उसको समझ लेंगे विद डिग्री। नॉर्थ में 37 degrees 6 minutes नॉर्थ में, जो कि यह पॉइंट इंदिरा कॉल बोला जाता है, ठीक है। 8 degrees 4 minutes साउथ। वेस्ट की बात करें तो 68 degrees 7 minutes वेस्ट में है, से 97 degrees 25 minutes ईस्ट है, ठीक है। जो कि यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि सबसे पूर्वोत्तर कौन सा है, पूर्वोत्तर आपका है 97 degrees 25 minutes। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद, ये सब किसके साथ कॉमन सीमा साझा करते हैं, किस देश के साथ, तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसमें है नेपाल, नेपाल जो कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम से कॉमन बाउंड्री शेयर करता है, जैसा इस आप मैप से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल ये क्या करते हैं, कॉमन बाउंड्री जो है वो नेपाल से शेयर करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इफ यू इंटेंड टू विजिट द कावरती ड्यूरिंग योर समर वेकेशंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। अगर आप कावरती जा रहे हैं तो आप समर वेकेशन में, तो आप किस यूनियन टेरिटरी यूटी में जाएंगे, तो आपके पास चार ऑप्शन है, आप इसमें उत्तर दीजिए, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन या द्वीप। तो आपका टाइम होता है आप और ये है लक्षद्वीप में, कावरती जो लक्षद्वीप में है। आगे हम इस मैप के थ्रू समझ पाएंगे कि कावरती कहाँ पे है,
ये है आपका इंडिया की मेनलैंड, इंडिया की मेनलैंड, और ये जितने आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं ये आइलैंड हैं आपके किसके, लक्षद्वीप के, ठीक है। और उसमें कावरती एक आइलैंड है जो कि है कहाँ पे, लक्षद्वीप के अंतर्गत आता है, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी के अंदर। फिफ्थ है माय फ्रेंड हेल्स फ्रॉम द कंट्री विच डज डजेंट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया आइडेंटिफाई कंट्री। अब इसमें से कौन सी ऐसी बाउंड्री है जो लैंड बाउंड्री इंडिया से शेयर नहीं करता है? अब इसे भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, तजाकिस्तान। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से जो सही है आप उसको कमेंट बॉक्स में उसको आंसर अपना दीजिए। तो इसमें है आपका तजाकिस्तान। तजाकिस्तान नहीं शेयर करता है बाउंड्री किससे, इंडिया से। भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान ये बाउंड्री शेयर करते हैं। चाइना और साथ में वाटर बाउंड्री श्रीलंका शेयर करता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी डज इंडिया हैव? कितनी यूनियन टेरिटरी और कितने स्टेट भारत के पास हैं? तो इसमें चार हैं, इंडिया हैज 26 स्टेट एंड 7 यूटीज, इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 7 जो है यूनियन टेरिटरीज, इंडिया हैव 25 7 या इंडिया हैव 28 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। तो इंडिया हैव, आंसर आप दीजिए, इंडिया हैव 28 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज इन इन इंडिया। तो यहाँ पर आप इस मैप से देख सकते हैं आपकी जो 28 स्टेट और 7 यूनिटी यूटीज हैं। सेवेंथ है, विच लाइन्स डिवाइड्स इनटू अप्रॉक्सीमेटली टू इक्वल पार्ट्स? कौन सी जो लाइन है जो भारत को दो ऑलमोस्ट पार्ट से डिवाइड करती है? इक्वेटर, भूमध्य रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आंसर आप अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ इसका उत्तर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, जो भारत को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब 8 नंबर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द एरिया? अगर रिस्पेक्ट एरिया की बात करें इंडिया में, तो कौन सी पोजीशन पे है? 8th पोजीशन, 7th पोजीशन, 6th पोजीशन, 2nd पोजीशन। इंडिया का एरिया जैसा कि आप जानते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो इस हिसाब से इंडिया जो 7th पोजीशन पे है, 7वें पोजीशन पे इंडिया है इन द वर्ल्ड की रिस्पेक्ट में। विच जो मेरिडियन इज फिक्स एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया? कौन सी मध्यान रेखा है जो भारत को स्टैंडर्ड मेरिडियन, भूमध्य रेखी या देशांतर के रूप में मानी जाती है? इंडिया में कहाँ से टाइम जो मैनेज किया जाता है या नापा जाता है, वो कौन सी लाइन है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 84 डिग्री ईस्ट, 68 डिग्री 4 एंड 81 ईस्ट। नहीं, इसमें आपका आंसर है 82 डिग्री एंड 1/2 डिग्री ईस्ट, मतलब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि नैनी, यहाँ आप देख पाएंगे कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो भूमध्य रेखा है वो है, पास होती है मिर्ज़ापुर नैनी उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से है। 5.5 घंटा ये ग्रीनविच लाइन से आगे है इंडियन टाइम। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट यानी अक्षांशीय विस्तार भारत का, लैटिट्यूडनल मीन्स अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना है? आपके पास 4 ऑप्शन है, अब इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। 60 डिग्री से स्टार्ट होता है, 12 से, या 12 से 37। तो ये अगर बात करें
इसका अंत ये स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, जो कि कन्याकुमारी 8 डिग्री और जम्मू कश्मीर इंडा कॉल है जो 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ पर आप देख पाएंगे सबसे टॉप पे, यहाँ पर 37 डिग्री और यहाँ पर है 8 डिग्री 4 मिनट।